बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू इंग्लिश 2, लेक्चर 7। आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग अ बिजनेस मैसेज। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है जी, राइटिंग प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने प्लान करना सीखा और सेकंड में हमने राइट करना, यानी राइटिंग प्रोसेस था, राइटिंग स्टेज थी, और थर्ड जो स्टेज है वो है कंप्लीटिंग स्टेज। तो आज हम लेक्चर 7 में राइटिंग प्रोसेस की थर्ड स्टेज को स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम ये सीखेंगे कि आप एक अच्छा मैसेज किस तरह से बना सकते हैं और कैसे मैसेज को फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जा सकता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं जी कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ केयरफुल रिवीजन एंड डिस्क्राइब द टास्क इन्वॉल्व इन एवेल्युएटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड द वर्क ऑफ अदर राइटर्स। लिस्ट सम टेक्निक्स यू कैन यूज टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर मैसेजेस। वो डिफरेंट टेक्निक्स जिससे आप रीडेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं मैसेजेस की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द स्टेप्स यू कैन टेक टू इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग एंड गिव सेवरल टिप्स ऑन मेकिंग योर राइटिंग मोर कंसाइज। इसमें हम डिस्कस करेंगे जी कि आप अपना जो रिटन पीस ऑफ वर्क है उसकी क्लैरिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और डिफरेंट स्टेप्स और टिप्स को हम डिस्कस करेंगे कि जिससे हम अपने मैसेज को ज़्यादा कंसाइज कर सकें। और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स दैट कैन हेल्प यू रिवाइज मैसेजेस एंड एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ यूजिंग देम, कि कैसे वो हेल्प कर सकते हैं और उनको यूज करने के क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ये हैं जो ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवाइजिंग योर मैसेज। मैसेज को रिवाइज करना, इससे क्या मुराद है और रिविजन का क्या कॉन्सेप्ट है, और रिविजन किस तरह से आपके मैसेज को एक इरेजिस्टिबल मैसेज बनाती है, और पूरे राइटिंग प्रोसेस में रिविजन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। रिविजन के बारे में ये कहा जाता है जी, रिविजन कैन बी डाउंटिंग। डाउंटिंग का मतलब है मुश्किल टास्क। कि रिविजन की जब हम बात करते हैं तो ये एक मुश्किल टास्क हो सकता है, बट इट डजंट हैव टू बी, लेकिन इसको होना नहीं चाहिए। इट्स सिंपली रीडिंग योर ओन वर्क विद अ क्रिटिकल आई। रिविजन है क्या कि जो आपने खुद काम किया है, जो लिखा है, उसको रीड करना है विद क्रिटिकल आई, एक क्रिटिक्स की तरह इसको रीड करना है, और इसमें जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं उनको आपने बगौर उसका मुतालिया करना है। एंड इट इज़ अ नेसेसरी इफ यू वांट टू राइट वेल। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा लिखें तो ये ज़रूरी है कि उसकी रिविजन की जाए। द आर्ट ऑफ राइटिंग इज रियली द आर्ट ऑफ रिविजन, कि जो लिखने की आर्ट है वो बेसिकली रिविजन की आर्ट है। तो इससे, इस छोटे से पैराग्राफ से हमें अंदाज़ा होता है कि रिविजन की इम्पोर्टेंस क्या है, और रिविजन की डेफिनेशन भी हम इसमें देखते हैं कि रिविजन क्या है। कि एक आपने मैसेज लिखा, और उससे पहले कि आप वो मैसेज डिलीवर कर दें, डेफिनेटली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस सेटिंग, तो जो आप कह रहे हैं वो आपका मैसेज आपके ओवरऑल बिजनेस का एक इम्प्रेशन है, और आपका मैसेज आपकी सीरियसनेस को, आपकी प्रोफेशनलिज्म को, इन सब चीज़ों को वो एक्सप्रेस करता है। इसलिए जब भी आप बिजनेस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि आपका मैसेज फ्लॉलेस होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए रिविजन का बहुत अहम रोल है। अगर आप अच्छे रिवीजन कर लेते हैं मैसेज की, तो फिर आप डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कभी भी। इवन बड़े बड़े राइटर्स भी जब वो फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो
वो बहुत अच्छा मैसेज, फ्लॉलेस मैसेज नहीं होता, फिर उसको रिवाइज किया जाता है, उसमें चेंजेस की जाती हैं, और जो इमेच्योर राइटर होता है उसको तो बेशुमार रिविजन्स की ज़रूरत होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जब आप रिवाइज करते हैं तो आपके मैसेज में एक वैल्यू ऐड हो जाती है और आपके मैसेज के अंदर जान आ जाती है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, रिवाइजिंग योर मैसेज, एवेल्यूएटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। ये फर्स्ट ड्राफ्ट होता क्या है? फर्स्ट ड्राफ्ट ये होता है जी, जब राइटर ने अपने मैसेज को प्लान किया जो कि फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज में हमने मैसेज को लिखा, दैट वाज राइटिंग स्टेज। अब राइटिंग स्टेज में जो आपने लिख दिया है वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, क्योंकि आपने जो प्लान किया था, जो पॉइंट्स आपने पिक किए वो पॉइंट पिक किए, जो चीज़ों को आपने प्लान किया था, कीपिंग ऑल दैट प्लानिंग इन योर माइंड, आपने उस मैसेज को लिखा। लेकिन दैट इज़ नॉट अ फाइनल मैसेज। आमतौर पे जो इमेच्योर राइटर हैं वो गलती ये करते हैं कि जब वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लेते हैं तो वो ये समझते हैं जी कि शायद हमारा सारा काम जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि राइटिंग प्रोसेस तीन स्टेजेस पे मुश्तमिल है, जिसमें प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग जो है वो 50% वेटेज रखती है, राइटिंग 25% और रिविजन 25% वेटेज जो है वो रखती है। इसलिए अगर आप प्लानिंग करके मैसेज लिख लेते हैं तो इट डज नॉट मीन कि आपने 100% जॉब आपकी डन हो गई है। अभी आपने 75% काम किया है, 25% जो है वो आपकी रिविजन है, जिसमें आपने रिविजन करनी है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कंप्लीशन। मैसेज आपका तभी कंप्लीट होगा जब रिविजन के प्रोसेस में से गुजरेगा। अब रिविजन के प्रोसेस में क्या चीज़ें होती हैं उनको अभी हमने डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट होता है दैट इज़ नॉट द फाइनल ड्राफ्ट। उसको फाइनल ड्राफ्ट तक पहुंचने में अभी काफ़ी मराहल में से गुजरना पड़ता है, उन मराहल को हम देखेंगे। लेकिन जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसके बारे में राइटर्स जो हैं वो उनकी क्या राय है? गुड राइटर रिकग्नाइज दैट देयर फर्स्ट ड्राफ्ट इज रेयरली एज टाइट, क्लियर, कंपेलिंग एज इट शुड बी। देखिए, आप जब आप लिख रहे होते हैं तो यू कैनॉट बी अ परफेक्शनिस्ट कि आप ये कहें जी जो मैं मैसेज लिखूं मैं वो चीज़ लिखूं जो परफेक्ट हो, तो ऐसा होता नहीं। इवन बड़े बड़े राइटर जब मैसेज लिख रहे होते हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग जब मैसेज लिख रहे होते हैं, तो दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि उनका जो मैसेज होगा उसमें वो टाइट होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्लैरिटी उसकी 100% होगी, वो बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा कंपेलिंग होगा। लेकिन डेफिनेटली एवरी राइटर वांट्स के उसके मैसेज के अंदर क्लैरिटी भी हो, वो कंपेलिंग भी हो, उसमें गलतियों की गुंजाइश भी ना हो, वो चीज़ें क्लियर हों। लेकिन जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हो तो आप एक परफेक्शनिस्ट की तरह ना सोचें, जो चीज़ें आ रही हैं उसको फ्लो के साथ आप लिखते जाएं, क्योंकि अभी उसको आपने कंपेलिंग बनाना है, क्लैरिटी उसमें लेके आनी है, आपने कंसाइजनेस उसमें लेके आनी है। टाइट का मतलब है कि बड़ा कंसाइज है, जो ज़रूरत है सिर्फ वही उसमें लिखा है। यानी टाइट मैसेज का जो मतलब ये है कि इसको मजीद कंसाइज मुख्तसर नहीं किया जा सकता, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कंपेलिंग है कि इट्स वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन ऐसा होता नहीं, जो एक्सपीरियंस राइटर हैं वो भी अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को डिफरेंट फेजेस में से गुजारने के बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं, और फिर जो फाइनल ड्राफ्ट वो प्रिपेयर करते हैं वो कंसाइज भी होता है, उसके अंदर क्लैरिटी भी होती है, वो बड़ा अट्रैक्टिव भी होता है। लेकिन उसके लिए वो 25% वेटेज की जो कंप्लीशन का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जरा देखते हैं रिविजन ऑफ द मैसेज, यानी रिवाइजिंग योर मैसेज। इस पिक्चर्स को ज़रा गौर कीजिए कि इस पिक्चर से हमें क्या अंदाज़ा होता है। इस पिक्चर से हमें वाज़ह तौर पे अंदाज़ा होता है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले तो हमने देखना होता है आपका मैसेज किस तरह का है, टाइप ऑफ मैसेज, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप के मैसेजेस होते हैं,
और उसके रिवीजन का क्या तरीकाकार होता है, और चॉइस ऑफ मीडिया कि कौन सा मीडिया आप चूज़ कर रहे हैं मैसेज को डिलीवर करने का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये आपका मैसेज, ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, और फर्स्ट ड्राफ्ट को जब आपने रिवाइज करना है तो दो चीज़ों को जहन में रखना है कि मैसेज किस टाइप का है और किस मीडिया के लिए आप उसको लिख रहे हैं। यानी आप जो है वो डिजिटल मैसेज है, ऑनलाइन जो है वो किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, आप ईमेल लिख रहे हैं, आपने लेटर लिखना है, आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो ये मीडिया को भी जेहन में रखना है क्योंकि हर मीडिया की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और फिर मैसेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आपका फॉर्मल मैसेज है, इनफॉर्मल मैसेज है, किस तरह का मैसेज है, उस टाइप को जहन में रखते हुए आपने उसको रिविज़न के प्रोसेस में से गुजारना है। अब ये रिविज़न का क्या मतलब है कि ये चार चीज़ें मैसेज के इर्द गिर्द जो घूम रही हैं, ये चीज़ें आपने रिविज़न के अंदर लेके आनी होती हैं, क्योंकि ये चार पॉइंट्स होते हैं जो फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर थोड़े कंप्रोमाइज्ड होते हैं क्योंकि हम चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन रिविज़न के अंदर हमने इन चार चीज़ों को लेके आना है। सबसे पहले चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, जो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा आप उसको पढ़ेंगे और आप एक रीडर की तरह पढ़ेंगे, ये राइटर की तरह नहीं है कि आपने लिखा है। डेफिनेटली आप अपने मैसेज के बारे में बायस्ड होंगे, लेकिन जब आप अपने ऑडियंस की जगह पे अपने आप को रख के मैसेज को पढ़ेंगे और अपने आप को ज़रा मैसेज से अलग करके, ये मत सोचें कि ये मैसेज आपने लिखा है, ये सोचिए कि अगर ये मैसेज आपको मिला है, किसी और ने लिखा है, तो कौन सी चीज़ है जो आपको इसमें एम्बिगुअस नज़र आती, क्या क्लैरिटी है। अब क्लैरिटी अगर नहीं है तो क्लैरिटी लाने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, जो कि डिफरेंट जो है वो उसको रिविजन्स होंगी, उसका हो सकता है सेंटेंस स्ट्रक्चर आप चेंज करें, उसके हो सकता है कि आप अल्फाज चेंज करें, वोकेबलरी ज़रा सिंपल कर दें। लेकिन कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है, पूरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो चेक करनी होती है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मैसेज मतलब है कि जब हमने अभी शुरू में पढ़ा कि मैसेज शुड बी टाइट, इट व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि इसमें मजीद गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इसको मजीद मुख्तसर किया जा सके। कम से कम अल्फाज में हमने अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना होता है, और जो कम से कम अल्फाज हैं इसको हम कहते हैं कि कंसाइज। कंसाइज मीन यू हैव टू एक्सप्लेन योर मैसेज इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन करें, और डेफिनेटली आपका जो राइटर, जो रीडर है, आपके जो ऑडियंस हैं, आप उनको एट कन्वीनियंस रखना चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा उनका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, और बाद बार लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं होता, इतना सब्र भी नहीं होता कि वो बहुत लंबी चौड़ी तशरीहात को पढ़ सकें। हमने क्या करना है कि टू दी पॉइंट बात करनी है, और टू दी पॉइंट करते वक्त हमने चीज़ों को बहुत क्लियर रखना है। यानी आप एक चीज़ जहन में रखिए कि कंसाइज करते करते आप उसकी क्लैरिटी को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। क्लियरेंस तो, क्लैरिटी तो मैसेज के अंदर होनी चाहिए, लेकिन फिर दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि मैसेज कंसाइज भी होना चाहिए। अगर उसको मुख्तसर किया जा सकता है तो उसको मुख्तसर करें। इसमें हम मुख्तसर करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होंगी कि हम आगे जाके इस पर बात करेंगे कि जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वही आप चीज़ें लिखें, इररेलेवेंट मटेरियल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बातों को खामखा जो है वो प्रोलोंग ना करें, खामखा की जो तशरीहात हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इररेलेवेंट एग्जांपल्स आपने डिस्कस की हैं तो वो उसमें नहीं होनी चाहिए, उसको हम निकाल देंगे। कुछ वर्ड्स को अगर रिपीट किया गया है या आइडियाज़ को आपने रिपीट किया है तो उन आइडियाज़ को हम बजाय के दो तीन दफ़ा एक टॉपिक पर बात करने के एक दफ़ा मजबूत अल्फाज के साथ उस पर बात करेंगे। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आप मैसेज को कैसे कंसाइज कर सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ हम रिविजन में देखेंगे कि मैसेज कंसाइज होगा, टू दी पॉइंट होगा, मुख्तसर बात होगी, इख्तसार बड़ा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। और फिर तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे दैट इज रीडेबल, रीडेबल मैसेज होना चाहिए। मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैसेज को पढ़ा ही ना जा सके। अगर आप लिख रहे हैं तो इट मीन के लेजिबल होना चाहिए, उसकी राइटिंग पर जो है वो अगर हैंड रिटन है तो वो पढ़ी जानी चाहिए। और अगर आपका मैसेज आपने टाइप कर रहे हैं
कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, तो इट मींस कि उसके अंदर रीडेबिलिटी होनी चाहिए। उसका स्ट्रक्चर जो आप सेंटेंसेस के इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, बड़े सिंपल स्ट्रक्चर होने चाहिए, और जो अल्फाज इस्तेमाल करें वो भी पढ़े जाने चाहिए। मैसेज जितना ज़्यादा रीडेबल होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, रीडेबिलिटी उसकी चेक करेंगे रिविजन के अंदर। और आखिरी जो चीज़ हम चेक करते हैं दैट इज़ करेक्टनेस, कि मैसेज करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली करेक्शन जो है ये मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि मैसेज अगर आपने जो मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर वो मैसेज ही रॉन्ग है तो आप अच्छा फीडबैक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेज आपका करेक्ट होना चाहिए, करेक्टनेस का एलिमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब करेक्टनेस में हमने क्या चेक करते हैं, करेक्टनेस में हम चेक करते हैं जी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, करेक्टनेस में हम चेक करते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, करेक्टनेस में हमने ये चेक करना होता है कि कोई ऐसा फैक्ट्स और फिगर्स जो हमने उसमें एक्सप्लेन करने हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो करेक्टनेस में हमने स्पेलिंग से लेके लैंग्वेज, ग्रामर और फैक्ट्स और फिगर्स, इन तमाम चीज़ों को हमने रिवाइज करना होता है, डबल चेक करना होता है रिविजन के अंदर, कि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि हमारा मैसेज गलत डिलीवर हो जाए। क्योंकि जब आपने मैसेज एक दफ़ा डिलीवर कर दिया तो फिर उसका इम्प्रेशन गलत या सही जो भी होना है वो सेट हो जाएगा। जब मैसेज का इम्प्रेशन सेट हो जाएगा तो दैट इज़ एक्चुअली द इम्प्रेशन ऑफ योर कंपनी। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन टाइम प्रोसेस, ये एक गोइंग ऑन प्रोसेस है। कि आप जितनी दफ़ा रिवाइज करेंगे आपको कुछ ना कुछ बेहतरी उसमें करने की गुंजाइश होगी। इसलिए आपने इस चीज़ को देखना है कि जब आप मैसेज रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसमें देखें कि उसकी क्लैरिटी, उसकी कंसाइजनेस, उसकी रीडेबिलिटी और करेक्टनेस के ऊपर आपने काम करना है। इसकी क्या टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर आगे जाके मज़ीद हम बात करेंगे। बात हम करें जी एवेल्यूएटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट। आपने अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को एवेल्यूएट करना है, और फर्स्ट ड्राफ्ट को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो उसमें उसमें ये इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जो आपने राइटिंग प्रोसेस में, राइटर जब पहली दफ़ा लिखता है तो वो जो ड्राफ्ट उसका आता है दैट इज़ हिज आर हर फर्स्ट ड्राफ्ट। अब फर्स्ट ड्राफ्ट के ऊपर जब हम काम शुरू कर देते हैं तो वो हमारा जो रिविजन का काम शुरू हो जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे क्लैरिटी और कंसाइजनेस के ऊपर हमने काम करना होता है, और कंटेंट की रीडेबिलिटी के ऊपर और करेक्टनेस के ऊपर हमने काम करना होता है। तो डेफिनेटली जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो तो हम पहले से वेरीफाई करके रखेंगे, फिर जो कंटेंट है क्या वो रीडेबल है, क्या क्लियर है, क्या टू दी पॉइंट है, इसको हम रिविजन में इन चीज़ों को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। और जब हम काम कर रहे हो तो ये हमारा वर्किंग ड्राफ्ट होता है, यानी फर्स्ट ड्राफ्ट आपका वर्किंग ड्राफ्ट में आता है, और वो वर्किंग ड्राफ्ट जो है वो उसके ऊपर आप उसको रिविजन के प्रोसेस में से गुजारते हैं, और जब वो आप रिवाइज कर लेते हैं तो देन इट बिकम्स योर फाइनल ड्राफ्ट, वो आपका फिर फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है। रिवाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस। जब हम मैसेज रिवाइज कर रहे होते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू शुड नो अबाउट द टाइप ऑफ मैसेजेस, क्योंकि टाइप ऑफ मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका मैसेज है किस तरह का, क्या ये इनफॉर्मल मैसेज है, क्या ये डिजिटल मैसेज है जो कि वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर इस्तेमाल होना है, आपने ईमेल करना है, सोशल मीडिया के ऊपर लिखना है, कहाँ पे ये मैसेज जाना है। क्योंकि जो आपका जिस तरह का मैसेज होगा उसके मुताबिक उसको रिवाइज़ किया जाएगा, या ये बहुत फॉर्मल और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो डेफिनेटली जिस तरह का मैसेज है उसकी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको किया जाएगा। तो जब हम रिविज़न कर रहे होते हैं तो मैसेज जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो इसके लिए टाइप ऑफ मैसेज को कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवेल्यूएटिंग योर मैसेज, क्योंकि जब हम रिविज़न की बात करेंगे तो इसमें आप अपना मैसेज को भी रिवाइज़ करेंगे, और सम टाइम ऐसा होता है कि आप दूसरे किसी राइटर के मैसेज को भी रिवाइज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एवेल्यूएटिंग योर मैसेज, कि आपने खुद मैसेज प्रिपेयर किया है, फर्स्ट ड्राफ्ट आपने लिखा है, अब आपने उसको एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट जब हम करते हैं तो तीन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हम एवेल्यूएट करते हैं कंटेंट को,
कि जो हमारा कंटेंट है वो किस तरह का है, अब कंटेंट में क्या क्या चीज़ें देखनी है इसको हम आगे जाके देखेंगे, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन यानी किस तरतीब से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज़ द सेकंड थिंग जिसको एवेल्यूएट करना होता है, फिर हमारा स्टाइल क्या है और जो मैसेज रिटन है उसकी टोन क्या है, इन तीन चीज़ों के ऊपर हमने एवेल्यूएशन करनी है। एवेल्यूएटिंग योर कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन, यानी वन बाय वन अब हम इनको देखते हैं कि जब हम कंटेंट को देखते हैं कि जो हमारा कंटेंट है जो हमने लिखा है उसमें किन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो मैंने कंटेंट लिखा है क्या वो क्लियर है, जैसे कि शुरू में मैंने वो पॉइंट बताया कि क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपका मैसेज हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, आपने वर्ड्स बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हों, लेकिन पढ़ने वाले को कन्फ्यूजन हो जाती है, पढ़ने वाले को आइडिया क्लियर नहीं समझ में आता, तो इट मीन्स कि ये आपके कंटेंट का प्रॉब्लम है। फिर आपने उसके देखना है एक्यूरेट, क्या उसके अंदर एक्यूरेसी है, आप यानी करेक्शन है, मैसेज गलत तो नहीं है उसमें, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत ना हों, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हों, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हों, ये चेक करना होता है। फिर उसकी रेलेवेंसी चेक करनी होती है कि जो हमने कंटेंट लिखा है वो जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, क्या ये उस टॉपिक से रिलेटेड है या इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट होगा तो डेफिनेटली हम उसको मार्क करेंगे कि ये रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसको उस कंटेंट में से निकाल देंगे। तो ये इस लेवल पे हमने स्क्रीनिंग करनी होती है, क्योंकि लिखते वक्त तो हमने फ्लो में लिख दिया बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो हमने लिख दिया है, लेकिन जब हम उसको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं तो फिर हमने कंटेंट को एवेल्यूएट करना है कि क्या जो हमारा कंटेंट है रेलेवेंट है, और अगर रेलेवेंट नहीं है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और फिर हम चेक करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने बात लिखी है, जो आइडिया हमने प्रेजेंट किया है, क्या ये कंप्लीट है, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको हम आंसर करना चाहते थे वो हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किया, या जो हमने आंसर किया है उससे रेलेवेंट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो उसको समझने में हेल्पफुल हो सकती है, तो वो हमने इंक्लूड करनी है। तो कंटेंट लेवल पे आपने जो चीज़ें देखनी होती हैं वो ये होता है कि क्लैरिटी ऑफ योर मैसेज होनी चाहिए, मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मैसेज नहीं होना चाहिए। ये कंटेंट को चेक करने के ये चार पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो मैसेज आपने लिखा है उसमें जो आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं आपने, क्या उनकी तरतीब ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ द आइडियाज़ है वो ऑर्डर ठीक है, और जिस चीज़ पे आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्या उसको आपने फोकस किया है। बाज़ का ऐसा होता है कि दो आइडियाज़ होते हैं, दो में से एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अब ऑब्वियसली जिस पे आप ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहते हैं, दैट आइडिया शुड कम फर्स्ट। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि जिस चीज़ पे आप एम्फेसिस करना चाहते हैं उसका ऑर्डर आप चेंज करें, और अगर ऐसा नहीं है तो वो चेंजेस करने की ज़रूरत है। फिर आपने चेक करना होता है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। समटाइम ऐसा होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते वक्त पहले भी बात कर दी है, फिर दोबारा उसकी बात कर दी है, तो रेपिटेशन जो है वो जो आइडियाज़ की रेपिटेशन होती है वो समटाइम ऐसा होता है कि मैसेज के अंदर वो अट्रैक्टिवनेस नहीं रहती। और फिर लास्ट चीज़ चेक करनी होती है कि जो एक तरह की इंफॉर्मेशन है उसको ग्रुप करना चाहिए, यानी पैराग्राफ, अगर एक टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ है तो उससे रिलेटेड जितने आइडियाज़, मतलब जितने बातें आपने की हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, वो उसी में होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन को ग्रुप जब हम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाती हैं। और आखिरी चीज़ जो हमने इसमें चेक करनी होती है, दैट इज़ टोन ऑफ द मैसेज, क्या हमारा मैसेज जो है वो फॉर्मल है या कैजुअल है। तो हमें ये इस चीज़ को जहन में रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह का हमारा मैसेज हमने टारगेट रखा है, क्या हमारी टोन अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट है। अगर हम एक फॉर्मल मैसेज लिख रहे हैं तो क्या हमारी टोन फॉर्मल है, और अगर हम एक इनफॉर्मल बिजनेस मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें अगर फॉर्मल टोन होगी तो दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो इसलिए हमें ये एवेल्यूएट करना होगा कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो कंटेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जो टोन है उसको हमें एवेल्यूएट करना है। तो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जी, नेक्स्ट हम देखेंगे एवेल्यूएटिंग, एडिटिंग एंड रिवाइजिंग द वर्क ऑफ अदर। समटाइम ऐसा होता है कि हम दूसरे राइटर्स के काम को
एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, उसको एडिट कर रहे होते हैं, उसको रिवाइज कर रहे होते हैं। तो जब हम दूसरों के काम को रिवाइज कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस करना है? जब हम दूसरों के काम को रिवाइज कर रहे हों तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज अ राइटर। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल राइटर है उसकी जो एसेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एवेल्यूएट करने का, एडिट करने का जो बेसिक मकसद है, वी वांट टू हेल्प द राइटर सक्सीड। क्योंकि हमने राइटर को सक्सेसफुल बनाना है, हमने ये नहीं कि उसके मैसेज को अपने अल्फाज में लिख देना है, उसकी टोन को अपनी टोन कर देना है, या उसी चीज़ को हमने सारा अपने स्टाइल में ले जाना है। हमने इस चीज़ को देखना है कि जो राइटर कम्युनिकेट करना चाहता है, जिस स्टाइल में वो करना चाहता है, हमने उसको हेल्प आउट करना है और उसको सक्सेसफुल करना है। उसके मैसेज को ऑल टुगेदर हमने चेंज नहीं करना। और दूसरी जो चीज़ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइटर्स इंटेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि राइटर चाहता क्या है, क्योंकि जब तक आपको इंटेंशंस का नहीं पता होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स का नहीं पता होगा कि राइटर जो ओरिजिनल राइटर है वो किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, उसका इंटेंट क्या है, उसकी मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है कि रीडर जब इसको पढ़े तो वो क्या अंडरस्टैंड करे और क्या ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहता है। अगर आप इन दो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आप दूसरों के काम को एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये ना पता हो कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंट क्या है, और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको सक्सेसफुल करें। समटाइम ऐसा होता है कि हम मैसेज को एवेल्यूएट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, रिवाइज करेंगे, जब हम राइटर को वापस देंगे तो वो कहेगा कि यार आपने तो मेरा बिल्कुल मकसद ही चेंज कर दिया। हमने उसके मकसद में उसको कामयाब करना है, हमने कोई नया मकसद जो है वो पीस ऑफ राइटिंग के अंदर नहीं डालना। तो इसलिए जब हम दूसरों का काम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं या एडिट कर रहे होते हैं या रिवाइज कर रहे हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। हमने उसको सक्सेसफुल करना है और उसके इंटेंशन और उसके इंटेंट को हमने माइंड में रखना है। अब जब हम दूसरों का काम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं तो फिर हमने क्या करना है, हमें ये कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द मैसेज। अगर आपको ये पता है कि पर्पज़ ऑफ़ द मैसेज क्या है तो आप फिर देखेंगे कि क्या वो पर्पज़ अचीव हो रहा है। अगर पर्पज़ वो अचीव नहीं हो रहा तो यू नीड टू रिवाइज दैट, यू नीड टू एवेल्यूएट अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर वो पर्पज़ अचीव हो रहा है तो इट मींस के वो मैसेज अपने मकसद को पूरा कर रहा है। फिर आपने देखना है टारगेट ऑडियंस, कि टारगेट ये मैसेज जो है किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, और फिर उस ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका लेवल क्या है, क्या ये जो मैसेज है ऑडियंस जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके स्टाइल के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। अगर उसके मुताबिक है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं तो वी नीड टू चेंज द स्टाइल, फिर हम यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इंफॉर्मेशन नीडेड, कि जो मैसेज का पर्पज़ था उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी, क्या वो इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है? अगर वो इन्फॉर्मेशन सफिशेंट नहीं है तो मज़ीद डेटा ऐड किया जा सकता है, और अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो उसको हम जो है वो कुछ एक्सक्लूड कर सकते हैं। पांचवी, चौथा हमने देखना होता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस चीज़ को एवेल्यूएट करना है कि जब रीडर हमारा मैसेज रीड आउट करेगा, पढ़ेगा, तो वो किन सर्कमस्टेंसेस में होगा, और उन सर्कमस्टेंसेस को सामने रखते हुए वो हमारे मैसेज को किस तरह से परसीव करेगा। तो उसको अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा और उसके को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरह का मैसेज है उसके मुताबिक जो उसकी तरतीब होनी चाहिए, जो आइडियाज़ जिस तरतीब से प्रेजेंट किए गए, क्या वो उनके अंदर एक नेचुरल फ्लो बनता है, और अगर नेचुरल फ्लो नहीं बनता तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं ड्यूरिंग द एडिटिंग या एवेल्यूएशन। फिर हमने चेक करना होता है यू एटीट्यूड, कि जो राइटर ने लिखा है कहीं आई और वी एटीट्यूड तो नहीं, अगर वो आई और वी एटीट्यूड में लिखा है तो हमने यू एटीट्यूड में उसको चेंज करना है, क्योंकि राइटिंग का जो बिजनेस में राइटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक मकसद है, वो ये होता है कि आपने लिखना है फॉर द सेक ऑफ योर ऑडियंस,
और अगर ऑडियंस पर फोकस करने की बजाय आप आई और वी एटीट्यूड में लिख रहे होते हैं तो वो बिजनेस में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसलिए एवेल्यूएशन में इस एटीट्यूड को भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर हम चेक करने, जब हमने एवेल्यूएट करना है तो टोन ऑफ द मैसेज, कि मैसेज जो है वो किस किस्म का है, क्या फॉर्मल मैसेज है, क्या इनफॉर्मल मैसेज है, और उसकी जो टोन है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कि अगर मैसेज इनफॉर्मल है, सिचुएशन इनफॉर्मल बनती है, और मैसेज की टोन अगर फॉर्मल है तो हमने उसको इनफॉर्मल में चेंज करना है, और अगर अदरवाइज सिचुएशन फॉर्मल हो और अगर वो बड़ा ही फ्रैंक लेवल पे मैसेज लिखा हो तो हम उसको भी चेंज करते हैं। रीडेबिलिटी को हमने चेक करना है कि क्या जो रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कि रीड किया जा सकता है, रीड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और अगर रीडेबिलिटी में इशू है तो उसको भी हमने एड्रेस करना है। क्लियर राइटिंग, क्लैरिटी हमने देखनी होती है, कि जिस तरह हम अपने मैसेज की क्लैरिटी देखने के, मैसेज शुड बी क्लियर, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और जो पैराग्राफिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो क्लियरली चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए और उसमें क्लैरिटी सेक्रीफाइस ना हो रही हो। और कंसाइजनेस भी देखना है कि कोई हमें कुछ चीज़ों को हमने देखना है कि बार बार रिपीट तो नहीं किया गया, कोई अननेसेसरी मटेरियल तो नहीं है कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी और उसको बीच में ऐड कर दिया गया है, और या आइडियाज़ को बार बार रिपीट किया गया है, या कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन है जिनकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसको कुछ आपने चीज़ें ऐड कर दी हैं, या एक्सप्रेशन आपकी बड़ी वर्डी एक्सप्रेशन है कि अगर एक बात को जो है वो 10 लफ्ज़ों में किया जा सकता था उसको 100 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया गया है, तो दीज आर वर्डी एक्सप्रेशन, तो उन वर्डी एक्सप्रेशंस को भी हमने चेंज करके कंसाइज करना होता है। और फिर हमने देखना होता है पेज या स्क्रीन डिज़ाइन सपोर्ट, के जो जिस तरह का मैसेज है उसके फॉर्मेट को भी देखना है, कि अगर वो स्क्रीन पे आना तो स्क्रीन पे उसकी विजिबिलिटी किस तरह की होगी, इसको हमने ये देखना है, अगर वो मल्टीमीडिया पे आएगा तो मल्टीमीडिया के ऊपर किस तरह का नज़र आएगा, और अगर वो जो है वो उसके मुताबिक नहीं तो हम उसके फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो उसमें जो भी आपका मैसेज है उसको आपने उसके डिज़ाइन को, उसके फॉर्मेट को भी हमने देखना होता है कि वो किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम किसी राइटर के मैसेज को अवेल्यूएट कर रहे होते हैं, और जब अवेल्यूएट करते हैं उसमें कुछ चेंज रिक्वायर होती हैं तो उसको फिर एडिट और रिवाइज़ करते हैं। तो ये है जी कि हम दूसरों के मैसेज को भी रिवाइज़ कर सकते हैं जिस तरह हमने अपने मैसेज को रिवाइज़ किया। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा जी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, डिस्कस द वैल्यू ऑफ केयरफुल रिविज़न। केयरफुल रिविज़न हमने कहा कि जो अच्छा मैसेज है वो रिविज़न से ही बनता है, तो राइटिंग का मतलब रिविज़न ही है। और फिर हमने देखा डिस्क्राइब द टास्क इन्वॉल्व इन एवेल्यूएटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट, तो उसमें हमने हमने अपने मैसेज को करने के लिए उसमें हमने देखा कि हमने कंटेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी टोन को हमने एवेल्यूएट करना होता है। और फिर हमने देखा कि जब हम दूसरों के काम को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं तो फिर हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी टिप्स हैं। तो ये दूसरों के काम को एवेल्यूएट करने के लिए, और ये जो ऊपर इससे हमने पॉइंट देखा ये वाला है जब हम अपना काम कर रहे हों, अपना हमने काम किया हो तो उसको हमने एवेल्यूएट करना हो।